तोहफिजा इलाके के रामा कॉलोनी में मछली पालन के लिए बने गड्ढे में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब बच्चे के परिजन सड़क हादसे में घायल अपने रिश्तेदार से हाल चाल पूछ रहे थे। उसी वक्त खेलते खेलते बच्चा गड्ढे में डूब गया। बच्चा सोमवार को ही इंदौर से भोपाल में रहने वाली बुआ के घर पिता के साथ आया था। पुलिस के मुताबिक न्यू गौरी नगर इंदौर निवासी राजकुमार चौरसिया प्राइवेट जॉब करते हैं। सोमवार को वह अपने 3 साल के बेटे जिसका नाम रेहांश है उसके साथ रामा कॉलोनी कोहेफिजा अपनी बहन के घर सड़क हादसे में घायल रिश्तेदार को देखने आए थे। दोपहर करीब 2 बजे राजकुमार रिश्तेदार का हाल चाल जान रहे थे। इसी बीच रेहांश घर के अंदर से खेलते खेलते बाहर आ गया। वह घर से करीब 30 मीटर दूर मछली पालन के लिए खोदे गए गड्ढे में डूब गया। जब वो काफ़ी देर तक नहीं दिखा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। दोपहर करीब 4 बजे परिजन गड्ढे के पास पहुंचे जहां बच्चा पानी में उतराता हुआ मिला। परिजन आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाते लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मामले की जांच कर रहे ASI राकेश शुक्ला ने बताया बच्चे की पानी में डूबने से मौत हुई है। परिवार को PM के बाद शव सुपुर्द कर दिया गया है। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर इंदौर निकल गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि जिस गड्ढे में बच्चे की डूबने से मौत हुई है उसमें करीब 5 फीट गहरा पानी है। रेहांश की बुआ का घर भी इस गड्ढे से करीब 30 मीटर की दूरी पर है। पुलिस का कहना है कि बच्चे गड्ढे की तरफ घूमने चले जाते हैं। रेहांश भी घूमते घूमते गड्ढे की तरफ गया और हादसे का शिकार हो गया। परिजन को लगा कि वह मोहल्ले के बच्चों के साथ किसी के घर में खेल रहा होगा।